सेदु सेदु आज पूरा गांव घूम कर आया हूँ। यहाँ का तालाब तो बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। याद है ना, इस तालाब में तैरकर मैंने पैसे कमाए थे, वो पैसे माँ ने अभी भी संभाल कर रखे हैं। सेदु, तुम बहुत बदल गए हो। उस दिन के पैसे के बारे में आज भी याद है? सच में बहुत बदलाव आ गया। अच्छा, वो कैसे? तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तुम भी तो काफी बदल गई हो। क्या सेदु, मजाक मत करो। अरे सच कह रहा हूँ, पहले से तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बचपन से तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गया है। क्या कहूँ मैं, बस तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, इसी बात का दुख है मुझे। देखो खाना ठंडा हो जाएगा, हो सकता है अब हमारा खाना तुम्हें पसंद ना आए। ओ, बात ऐसी करिए जैसे मैं कोई विदेशी हूँ। यहाँ के आम के अचार का स्वाद तो बचपन से अभी भी मेरे मुंह पर है। लेकिन कुंडली दोष के नाम पर इस गांव में अत्याचार अभी भी जारी है। प्रधान ज्योतिषी यहाँ पर आकर कोई भी समस्या पैदा कर रहे हैं। मैं भले ही भगवान की सेवा करता हूँ, उनके लिए ढोलक बजाता हूँ, लेकिन ऐसे अंधविश्वास बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लक्ष्मी, तुम्हारी आधी उम्र बीत गई लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। ये सब बातें अंधविश्वास ही हैं। मैं चलती हूँ सेदु। तुम जो भजन गा रहे थे ना, वो बहुत अच्छा था। कितने दिन हो गए, अभी तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, और कितना इंतजार कराओगी? जो नहीं होने वाला है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो तुम? किसने कहा ऐसा नहीं हो सकता? भगवती देवी सब देख रही हैं। अगर तुम किसी का इंतजार कर रही हो तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। मैं किसका इंतजार कर रही हूँ गिरी? मुझे इस जन्म में शादी अब करनी ही नहीं है। गिरी, मैं तुम्हारे प्यार को समझती हूँ, लेकिन हम दोनों की शादी होगी ऐसा मत सोचो तुम। अगर तुम कहो तो हम दोनों भाग चलते हैं। गिरी, बहुत हो गया। बाद में मैं ही काम आने वाला हूँ लक्ष्मी, देख लेना। ओ मिलिंग क्लिंग चामुंडाई मिच्छे स्वाहा, माँ बद्री के माँ काली, माँ काली के माँ दुर्गी, जय काली देव हमारी के, जय माँ का जय चाल का, जय चंडी माँ, जय दुर्गी माँ, जय ओम नमः काली, ओम नमः शिवाय, काली के माँ का जय, जय 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 सर्व मंगल जय, ओम का जय चामुंडाई स्वाहा, ओम माँ काली का ओम स्वाहा। अरे बाप रे, वो सब लोग जैसा आपने कहा था पूजा पाठ में भगवान की प्रार्थना में लीन है, उन्हें बुलाऊं क्या प्रधान जी? भले वो जिद्दी है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सिर्फ तुम ही नहीं, घर के सभी लोग भी यही चाहते हैं। श्री लक्ष्मी के लिए उन्नी कृष्णन ही अच्छा लड़का है। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? ये देवी प्रसाद के वितरण के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। बर्तन कम नहीं होने चाहिए, कढ़ाई वगैरह रूम से निकाल देना। इधर आओ लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी, ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें बुलाया है। सिरविन से बात करके कुछ नहीं होगा, मैं अपनी लक्ष्मी से तो मिल लूं। लक्ष्मी, क्या हुआ? अरे लक्ष्मी, 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 बद्री भाई, मैंने देखा। क्या देख लिया? वो सेदु के कमरे में। क्या? लक्ष्मी, लक्ष्मी। इसका मतलब उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया।
मंदिर में भजन संगीत खत्म होने के बाद कृष्णा के बेटे को ढोलक बजाने वाले का एक दर्जा दिया। मुझे लगता है ऐसा करके मैंने बहुत गलत किया है। ढोलक भजन कीर्तन का मेरे मन में सम्मान है, यह सच है। उसने जब तक यहां काम किया कभी भी कोई दाग नहीं लगने दिया। हाँ, मैं सिर्फ उसकी इज्जत करके चुप नहीं रह सकता। सुभद्रा, श्री लक्ष्मी को जाकर कह दो, लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल होगा। सेधु को कल से मंदिर के बाहर सोना होगा। हाँ, इस घर में किसी को आने की इजाजत नहीं है। उसे बोलो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाए, उसके घर में कोई जगह नहीं है। मामा जी, ये तो बत्री भाई का हक है देवी माँ का तलवार उठाने का, यही रिवाज है। देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे। बत्री की जगह आप किसी और को हकदार नहीं बना सकते। मैंने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया? अब देवी की जैसी इच्छा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो सब लोग। बात नहीं करनी और ना ही कोई बात सुननी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मू, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे अकेले में बात करने की कितनी बार कोशिश की। मैंने मना किया था ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुनना होगा, मेरी बात को तुम्हें सुनना होगा। जो मैं कहूँगी आज तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। बेटा देखो, तुम्हारे मामा ने जो कहा था वो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लो लो, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? माँ मंदिर गई है। झूठा कहीं का, तुम्हारी माँ मंदिर कैसे जाएगी? सच में माँ मंदिर ही गई है। माँ, ये क्या बोल रहा है? लक्ष्मी मंदिर गई है क्या? हाँ बेटा, मतलब आज उसका मन कर रहा था। पिछले 4-5 सालों से इस घर की चौखट को भी नहीं लांघा। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब। मैंने हमेशा दुर्गा देवी से अपने दिल से प्रार्थना की है ताकि उस लड़की की भलाई हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सालों के बाद जब वो घर से बाहर निकली तो उसके चेहरे की रौनक ही अलग थी। कुछ भी हो माँ, वो पहले से अच्छा महसूस कर रही है। मैं पिछले दिनों गिरी से मिला था माँ, वो आज भी लक्ष्मी को बहुत चाहता है माँ। लेकिन बेटा वो तो, उसे सब पता है माँ। उसने जानबूझकर लक्ष्मी के साथ गलती नहीं की होगी, किसी ने उसको फंसाया होगा माँ। लक्ष्मी को अपनाने के लिए गिरी आज भी तैयार है माँ। और गिरी की वजह से ही मुझे मालूम पड़ा कि प्रधान सेवक के अंदर बदलाव आ चुका है। कई दिनों से लक्ष्मी को याद करके बहुत दुखी है वो, और बहुत जल्दी प्रधान जी लक्ष्मी को लेने भी आएंगे। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को मान ली। राहु की दृष्टि लगन में वापस दिखाई दे रही है। प्रधान सेवक जी, मंदिर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रभाव मंदिर पर ठीक नहीं पड़ रहा है। नाग देवता बहुत रुष्ट है, ये बात मुझे साफ दिखाई दे रही है। और इसके कारण मंदिर से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि पूरे गांव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सेदु, सॉरी सेदु, श्री लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम्हें सच पता ही चल जाएगा। मैंने सबको बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दो माँ जी। वैसे तुमसे कौन नाराज था बेटी? हे भगवान, ये सब देखने के लिए कुछ दिन तो मेरा कृष्ण जीवित रहता। लक्ष्मी दीदी कहाँ गई? मुझे उससे मिलना है।
मंदिर में गई है, आज अच्छा दिन है ना नाग देवता की पूजा करने के लिए। मंदिर में अगर जल्दी ना पहुंची तो अनर्थ हो जाएगा। चलो जल्दी। नाग देवता को बुलावा देकर चार नाग देवता को जमीन में प्रतिष्ठित करना होगा। हर साल की तरह दूध से नाग देवता का अभिषेक करना होगा और उनकी पूजा भी ठीक से करनी होगी। ये सब तो पहले ही कर देना चाहिए था, इतने सालों तक तो क्यों नहीं किया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या आ रही कुछ पता नहीं चल रहा है। बांध कर रख दो। ए, हाथ मत लगाना, ये दुष्ट आदमी है। इसने लक्ष्मी दीदी की जिंदगी तबाह की। बेकार की बातें मत करो। प्रधान सेवक, आपको क्या वो यज्ञ का दिन याद है? अरे बाप रे, रुक जाओ, प्रधान सेवक कहाँ है? वो सब लोग जैसा आपने कहा था पूजा पाठ में भगवान की प्रार्थना में लीन है, उन्हें बुलाऊं क्या प्रधान जी? दो, बाहर जाकर जाप करो। अच्छा देखो, जैसा मैंने इस कागज में लिखा है उसी के अनुसार पूजा अर्चना करो, सब कुशल मंगल होगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलता हूं। बाहर कौन है, अंदर आ जाओ।
हाँ लक्ष्मी तुम? हाँ मैं हूँ लक्ष्मी, यहाँ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने, पर अब मैं उन तकलीफों के साथ और नहीं जी सकती। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं सबको बता दूंगी। सुनो श्री लक्ष्मी, मैं तो नाटक मत करो, तुम भगवान की तरह हो, मुझसे मेरे पिताजी ने कहा था। बिना सच्चाई जाने ही मेरे पिताजी मुझे तुम्हारे पास लेके आए थे और तुमने क्या किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, पर अब नहीं, अब मैं इस बात को और छुपा के नहीं रख सकती। अब मैं ये बात सबको बता के ही रहूंगी। अब मैं इस बदनामी के साथ और नहीं जी सकती। देखो जो होना था वो हो चुका, अब तुम्हारे उस बच्चे को सेदू ढोलक वाला का नाम मिल चुका, सब उसको उसका बच्चा मानते हैं। तुम उससे बदला क्यों लेना चाहती हो? तो तुम बचने की सोच रहे हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे चुप कर। इस भूलोक के राशि चक्रों के बारे में कुछ जानती हो क्या तुम? इस गांव के एक एक इंसान को कठपुतली बनाकर खेल सकता हूँ मैं। एक तुच्छ प्राणी होकर इस सूरज से टकराना चाहती हो? बदला लोगी मुझसे? तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे माँ बाप मेरी चुटकी बजाते ही मेरे सामने घुटने टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे, और तुम मुझसे बदला लोगी, मार डालूंगा तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना तुम जिंदा रहोगी और ना किसी को कुछ बताओगी। बेटी, मेरी बेटी। पिताजी, पिताजी, बेटी।